गुरुजी एक प्रश्न है हमने देखा है कि जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं धर्म के प्रति आस्था रखते हैं और सत्य के प्रति चलते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं और जो बेईमानी करते हैं चालाकी करते हैं उनके बड़े होते हैं होते है। ये कैसे है प्रभु क्या लीला अपरम्पार है ये लीला नहीं है बस देखने की दृष्टि है भगवत उपासना करने वाला व्यक्ति हमें तो नहीं लगता दुखी रहता पर आप मान कहते हैं और बहुत लोग यही प्रश्न दोहराते हैं इसका आज एक उत्तर सुनो हम भी एक दिन यही विचार कर रहे थे जब कोई पाप करता है तो उसके पूर्व समय के जितने भी पुण्य होते हैं वो उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं तो पाप करने वाले व्यक्ति पाप करता जाता है उसका बाल बांका नहीं होता है तो उसे ये लगता है कि कहीं भगवान भगवान नहीं होते हैं हम कितने मजे में हैं लेकिन जब पाप खत्म हो जाते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी का विनाश हो जाता है रावण जब पाप करता रहा और इस जगह के क्षेत्र के कई उदाहरण ऐसे हैं जिन्होंने लोगों को सीधा मरवा दिया लेकिन जब तक वो गुंडागर्दी राजपीठ पर रहे मरवाते रहे और पाप पुण्य सामने आते रहे तो उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाया लेकिन जब सब पुण्य खत्म हो गए तब फिर ये दुर्दशा हो गई कि वंश में कोई नहीं बचा और जब कोई पुण्य करता है तो पूर्व जन्म के हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए हुए सभी पाप कर्म आगे आ जाते हैं तो वो लड़ते हैं तुम इस रास्ते पे क्यों चल रहे नहीं तो हमें जगह खाली करनी पड़ेगी और जब वो पूर्ण समाप्त तो हो जाते हैं तो व्यक्ति फिर मोक्ष की तरफ बढ़ जाता है एक कारण ये दूसरा देखने की दृष्टि होती है हम जब अध्यात्म उपासना मार्ग में बढ़ते हैं तो उपासना के मार्ग में बहुत रोड़ा आते हैं संकट आते हैं लेकिन उनसे लड़ने की क्षमता दस गुनी आ जाती है और जो दुखी व्यक्ति होता है वो पाप काम करता है वो बहुत कमजोर होता है वो लड़ने में भी बहुत कमज़ोर होता है क्योंकि हृदय उसका कमज़ोर हो जाता है इसलिए ये कभी नहीं मानना चाहिए कि अध्यात्म में, में बहुत दुख मिलता है अध्यात्म में प्रभु जो कर रहे हैं हमको सदा सदा के लिए सुखी करने का प्रयत्न कर रहे हैं जन्म मरण के चक्कर से बचाने का उपाय कर रहे हैं इसलिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए और हद हो गई जिन ईश्वर की उपासना करते हैं उन पर इतना भी भरोसा नहीं कि वो आपके दुख ना मिठाए जिस ईश्वर की आप उपासना कर रहे हैं जिस ईश्वर की आप साधना कर रहे हैं और आप छोटे से दुख से आप डगमगा जाते हैं भगवान प्रभु श्री राम का, ए, जीवन के दुख का एक अंश का भाग भी व्यक्ति नहीं भोगता और आदमी विचलित हो जाता है प्रभु श्री राम के जीवन की यात्रा को कभी आप पढ़ो नजदीक से आपके साथ घटे तो हो तो आप आत्महत्या कर लो दो मिनट में रात को आप राजा बनने वाले हो सो सुबह पतो लगे कि तो मैं बनवास हो तो आपकी प्रतिक्रिया यही होगी कि भाड़ में गो तमाशो बनोगा हंसी खेलाए हम राजा बन में बारे थे अब भाई रात के माता जी ने जब हो गई माता जी आता जी हो गए भरत जी हम तो हम तो राजा बनेंगे कल कल प्रवचन हुआ मोहल्ला बुलाओगे ढोल नगाड़े बजवाओगे पूरे गांव को जोड़ करके आप केस कर दोगे फाइल लेकिन प्रभु श्री राम के जीवन से आप सीखो कि रात को राजा बनने वाले प्रभु श्री राम को जब प्रातः कि हमारे पिताजी ने ऐसा वचन दिया है तो बिना कहीं मुस्कुरा करके उल्टा और उन्होंने कहा तापस वेश विशेष उदासी तपस्या जैसा वेश बना करके जावे तो प्रभु राम जी सर्व त्यागी बन करके गए इसलिए प्रभु श्री राम के जीवन का एक दसवां भाग भी व्यक्ति के जीवन में दुख का नहीं आता फिर भी आदमी इतना हम एक दिन बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि प्रभु श्री राम वन में गए जान जानकी माता का हरण हो गया और प्रभु श्री राम कितने भगवान होकर के भी भगवत्ता का प्रयोग नहीं किया फिर ढूंढ रहे जानकी जी मिलेंगी कहाँ हनुमान जी को खोज रहे और वन में कितनी व्यवस्था बनाई हनुमान जी को खोज लिया सुग्रीव से मित्रता कर ली फिर पुल हनुमान जी को भेज करके पता लगवा लिया फिर पुल बनाया कहीं पर भी भगवत्ता का प्रयोग नहीं किया भगवान भगवान होकर के भी भगवत्ता का प्रयोग नहीं किया जैसे एक जीवन मानव का होता है वैसे ही भगवान ने जी क्या भगवान नहीं कर सकते थे विचार करो जिस श्रावण को बल भगवान ने दिया वो मार नहीं सकते थे छीन नहीं सकते थे लेकिन भगवत्ता का प्रयोग नहीं किया है अच्छा हम लोग होते आकलन करो एक तो पहली बात बन जाती है ना राजा बनने वाले बन चले जाए हाओ मर्डर कतल हो जाए बन क्यों जाए कल हम राजा बन रहे थे आज तुम तो हम राज वनवास दे रहे हो तो बन एक तो जाते ना अच्छा बन भी जाते तो दूसरे प्रकार के जाते बन जाते सो और बन जाते दूसरे प्रकार के बन जाते अच्छा मान लो अगर चले भी जाते धोखे धंधे से जब मीडिया ज्यादा पीछे लगी हो वरना लोग बन भी जाते तो किसी शहर में बन जाते आज के अच्छा विचार करो फिर भी मीडिया पीछे लगी हो बन जाते भी और धर्म पत्नी का हरण हो जाता तो क्या लंका जाते तुम तो? विचार <laughs> करो प्रभु श्री राम की जगह हम लोग होते धर्म पत्नी का हरण हो जाए और दो भैया सगे बचे हों छोटा भाई अपने से बचा हो और हम और जंगल में अकेले और धर्म पत्नी कोई जो है समुद्र पार ले गया मान लो आज के जमाने का अमेरिका का राष्ट्रपति <laughs> इतना पावरफुल उस समय जमाने में लंका का यही था परकोटा सोने का परकोटा हजारों सेना और कोई संचार नहीं कोई जानकारी नहीं तो हम लोग क्या विचार करते है? अब सो चलो वापस दूसरी देखें विचार करो प्रभु राम के जीवन चरित्र से कि प्रभु राम ने हार नहीं माने प्रभु प्रभु श्री राम आगे बढ़े हनुमान को खोजा हनुमान को खोज करके सुग्रीव से मित्रता की फिर जानकी जी को खोजा फिर जाने का मार्ग बताओ

लेकिन कितना धैर्य एक नीति प्रति नीति के पथ पर आगे बड़े भगवान युद्ध भी करते हैं और आप पढ़कर के होंगे प्रभु श्री राम का दिन में युद्ध होता है और एक बार की घटना हम आपको सुनाएंगे आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम थे युद्ध हुआ और भगवान राम ने हनुमान जी जब रावण जो है रथ पर बैठ करके आया और भगवान नीचे और रावण ऊपर रथ के ऊपर बैठा और रथ एकदम ऊंचा आहा तब जो है राम जी सोच रहे कि हमारा रथ नहीं है तो हनुमान जी आ गए बोले हम तो तो हनुमान जी से राम जी बोले कि देखो भाई चोट लग जाएगी आपको हनुमान जी बोले आप चिंता ना करो आप हमारे कंधे पे बैठो पैर लटका लो सामने लड़ो हम रथ हैं आपके राम जी बोले कि मैं ऐसा करना तो नहीं बोले आप चिंता ना करो बोले आपको लग जाएगी तो हनुमान जी बोले सरकार जिसके चरण आपके हृदय के पास वाँ। वाँ। उसे चोट से आप चिंता न और बीच बीच में आप थक जाओ तो हमारा सिर पर सिर पे हाथ रख लिया करो तो राम जी बोले उससे क्या होगा बोले जिसके माथ पर आपका हाथ उसका बाल बांका होगा तो राम जी बोले ठीक है राम जी ने दोनों पैर लटकाए हनुमान जी के ऊपर बैठ गए अब हनुमान जी विशाल गाय बने और रामण से बड़े हो गए ऊंचे उनके पास तो सिद्धि थी जब बड़े हो गए और रामण से लड़े तो रामण तीर मारे तो वो चरण पकड़ ले गए के और ऊपर आप बचे रहियो चरण में हम नहीं लगने देंगे <laughs> हनुमान जी भूमिका निभा रहे और जब रावण निहत्ता हो गया रथ चकनाचूर हो गया और उसके हाथ से अस्त्र शस्त्र गायब हो गए तब प्रभु श्री राम की मर्यादा देखना बोले हे दसानन आज तुम बहुत श्रमित हो गए हो गए जब अंतिम बाण मारने की बारी आई जब निहत्ता हो गया तब योद्धा बार करता है और शत्रु को हराता है लेकिन युद्ध की नीति कहती है कि जब जो दुश्मन है जो हमारा लड़ने वाला है अगर वो निहत्ता हो जाए तो उस पर बार नहीं करना चाहिए और हमारे प्रभु राम की मर्यादा देखना बोले हे दशानंद बाणी देखना हे दशानंद आज तुम बड़े श्रमत हो गए हो गए आज जाओ विश्राम करो कल पुनः अगर तुम्हारे अंदर चेतना और ऊर्जा रहे आकर श्री राम तुम्हारा युद्ध में फिर स्वागत करें मारे श्री राम ऐसी मर्यादा प्रभु श्री राम की इतने धैर्यवान के पत्नी का हरण करने वाले को भी मौका दे रहे और हम लोग होते ऐसा दाव लग पहले पहले नंबर तो सीता राम कीमा बना होते पर कितनी धैर्यता प्रभु श्री राम में तो हम यही कहना चाहते हैं कि भगवान राम के दसवा भाग भी दुख जीवन में नहीं आता है और हम लोग सोचते हैं कि बताओ आ, आ, कितना दुख है तो दरअसल बात यह है कि अपने ही कर्मों का दुख है उसको भोगना है और उसको काटना है इसलिए उपासना के साथ अगर भगवत साधना के साथ अगर काटा जाए तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी जिंदगी में भी चार चांद लगेंगे और दुख के दुख का झूला जितना पीछे जाएगा सुख का झूला उतना आगे जाएगा बहुत बढ़िया इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं रहना चाहिए कि हम भगत हैं भक्त हैं भक्त हो ही नहीं अगर होते तो दुख ना होते भाई उजाला होता अंधेरा बचता क्या अंधेरा है मतलब उजाला नहीं आप भक्त तो हो गए होते हो दुख होता हो ही नहीं सकता भाई सूर्य हो रजनी हो रात्रि हो असंभव वाली बात है सूर्य होगा तो रात्रि होगी ही नहीं और अगर परमात्मा की भक्ति होगी तो क्या ज्ञान और वैराग्य नहीं आएगा और ज्ञान आएगा तो अज्ञान अपने आप ढक जाएगा और अज्ञान ढक जाएगा तो दुख भी किस बात का ज्ञान होते ही पता ही लग जाता है कि कुछ अपना है ही नहीं जब अपना ही नहीं तो दुख किस बात का इसका मतलब आप भक्त तो हो ही नहीं इसीलिए दुखी हो तो व्यक्ति भक्त तो होने का हमने कहा ना आज हमने प्रारंभों के उत्तर में बताया जा, ज्यादातर व्यक्ति ढोंग का जीवन जीते ढंग का जिए तो जीवन जीने का मजा पता लगेगा तो भक्त बन ही जाएंगे फिर दुख किस बात का भाई सूर्य से दोस्ती हो गई फिर अंधेरी का अंधेरा है मतलब सूर्य नहीं है या तो है तो नकली नकली हाथ में लग गो बल्ब बारो असली होगा तो वो तो काम करेगा मणि होगी वो चमचमाएगी कांच दूसरे का प्रकाश लेकर चमचमाती है मणि अपना प्रकाश खुद बताती है उसी प्रकार जब भक्ति होती है तो दुख अपने आप भाग जाते हैं दुख होते ही नहीं हैं ऐसे कई अनेक उदाहरण हैं भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र श्री सुदामा जी भगवान के प्रति तड़प लेकिन जब भक्ति और भगवान दोनों उनको प्राप्त हुए तो उनकी जिंदगी में कभी अभाव नहीं रहा भक्त की जिंदगी में अभाव नहीं प्रभाव रहता है क्योंकि वो भगवान के स्वभाव में जीता है तो भक्ति स्वभाव का नाम है तो ये साधना करने वाला पूजा करने वाला प्राय पूजा नहीं करता है भगवान से अनुबंध बनाने चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जाता है हम तुम्हें तो जल चढ़ाएंगे तो हमें हमारा कर्ज चुक जाएगा हम नारियल चढ़ाएंगे तो हमारी नौकरी लग जाएगी तो ये भक्ति नहीं है ये भक्ति नहीं है ये अनुबंध चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है साइन अप, वो तो अपने अपने बिलो पर लेना चाहता है व्यक्ति कि भाई सत्ताईस परसेंट बिलो में हमें मिल जाए ये ठेके का काम तेईस <laughs> परसेंट बिलो में ठेके पर काम मिल जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये भक्ति नहीं है भक्ति तो व्यक्ति जानते हैं इसीलिए उपासना करने वाला साधना करने वाला परेशान है क्योंकि वो वास्तविक नहीं कर रहा वास्तविक करे तो परेशान है ही नहीं